जब नन्हे हनुमान ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को दिखाया गुस्सा, बागेश्वर धाम सरकार ने भी जोड़ लिए हाथ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हनुमान की वेशभूषा में खड़े छोटे बच्चे को देखकर धीरेंद्र शास्त्री ने अपना काफिला रुकवा दिया, जिसके बाद अपनी गाड़ी में नन्हे हनुमान को बुलवाया और उसे माला पहनाने लगे। लेकिन नन्हे बालक ने माला पहनने से मना कर दिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। दरअसल आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का 3 दिवसीय कथा का आयोजन खिलचीपुर में हुआ। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। इसी बीच भीड़ में धीरेंद्र शास्त्री की नज़र हनुमान की वेशभूषा में नन्हे से बालक पर पड़ी। हनुमान की वेशभूषा में नन्हे से बालक का गुस्सा देखकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी हैरान रह गए। हनुमान की वेशभूषा में नन्हे से बालक को पंडित धीरेंद्र शास्त्री प्यार करते नजर आते हैं, लेकिन नन्ना बालक काफी गुस्से में नजर आता है। खिलचीपुर पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री का आयोजकों ने विश्राम स्थल पर माला पहनाकर स्वागत किया। धीरेंद्र शास्त्री कथा स्थल पर पहुंचे, वहीं कल दिव्य दरबार भी लगेगा। आयोजक पूर्व विधायक हरीशचरण तिवारी ने बताया कि दिव्य दरबार कल की जगह 28 जून को भी हो सकता है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में सोमवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री को एक झलक देखने के लिए ब्यावारा से खिलचीपुर तक सड़क के पास हुजूम उमड़ पड़ा। महंत ने लोगों से वाहन के ऊपर से हाथ जोड़कर सीताराम किया, जिसके बाद उनका काफिला दोपहर 3 बजे खिलचीपुर पहुंचा। इस दौरान यहां हल्की बारिश हो रही थी, जिसके बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री कथा स्थल के सामने एक पैलेस में रुके। कथा खिलचीपुर नगर के स्टेडियम ग्राउंड में 26 जून से शुरू हो रही है, जो 28 जून तक चलेगी। वहीं 27 जून को सुबह 10 बजे महादिव्य दरबार भी लगेगा। अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो फटनी कौन-कौन मारेगा उनकी? दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, क्योंकि इंद्र देवता अपनी कृपा खूब बरसा रहे हैं। पुनः कभी हम बड़वानी में ज्यादा समय देंगे, रुकेंगे, नर्मदा माँ को भी प्रणाम करेंगे। हमें लगता है कि गुरु जी की प्रेरणा हुई, और तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र। इसके बाद शाम 4 बजे कथा शुरू होगी। इस कथा में शामिल होने के लिए आज देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खिलचीपुर पहुँचे हैं। खिलचीपुर के स्टेडियम ग्राउंड में कथा स्थल बनाया गया है।